खजराना गणेश को गणेश चतुर्थी पर चढ़ने वाले 125,000 लड्डुओं के भोग निर्माण की गुरुवार को विधिवत शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर ने निर्माण से पहले भट्टी पूजन किया तो वहीं निगम कमिश्नर ने सपरिवार भोग निर्माण में हाथ बटाया। देखिए खास रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के मौके पर खजराना गणेश को लगने वाले 125,000 लड्डुओं के भोग का निर्माण शुरू हो गया है। शहर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सेफ भोग प्लेस घोषित किया है। अब यहां मिलने वाले लड्डू प्रसाद और अन्य क्षेत्र में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता प्रमाणित हो गई है। वहीं सर्टिफिकेट की घोषणा के बाद से मंदिर प्रबंधन खासा उत्साहित नजर आ रहा है। इस मौके पर खजराना गणेश मंदिर के प्रशासक कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने भट्टी पूजन किया। निगम कमिश्नर आशीष सिंह भी सपरिवार बप्पा की शरण में पहुंचे। इस मौके पर उनकी पत्नी एवं बेटा भी साथ नजर आए। इंदौर खजराना गणेश के सेफ भोग प्लेस सर्टिफिकेट मिलने से प्रशासक व पुरोहित बेहद खुश हैं और आगे भी इसी स्वच्छता व अच्छे भोग सामग्री के निर्माण का वादा कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं बधाई देता हूँ कि जो हमको सर्टिफिकेशन मिला है, जो यहाँ का भोग का हम लोगों को सर्टिफिकेशन मिला है, इसमें सपोर्ट जो मंदिर का प्रशासन की टीम है, हमारे जो पुजारीगण हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इंदौर के ताज में एक और तरीके से हीरा इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा आज सपरिवार हमारे द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है और जो 125,000 मुदकों का गणेश चतुर्थी के दिन हम लोगों को तैयार करने है, उसकी आज शुरुआत की गई है। तो पूजा अर्चना करके हम लोग विधिवत रूप से रसोई गृह में इसको बनाने की शुरुआत करें। देखिए, पहले से ही हम लोग गुणवत्ता के ऊपर और अशुद्धि और शुद्धि का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखते हुए आए हैं। अब अवार्ड मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और हमारी पूरी टीम 24 घंटे लगातार इस दिशा में काम करती रहती है। हम लोग आगे भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव 2 तारीख से यहाँ पर चालू होने वाला है। 2 तारीख को चतुर्थी है, उस दिन भगवान गणेश जी का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। भगवान गणेश जी को स्वर्ण आभूषण धारण कराए जाएंगे। रोजाना 10 दिनों तक अलग अलग तरह से मोतियों से और आर्टिफिशियल ज्वेलरी से, स्वर्ण आभूषणों से भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा और 125,000 मोदकों का भोग लगेगा। उस दिन प्रातः 10 बजे ध्वज पूजन होगा, जिसमें इंदौर कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त और प्रबंध समिति के सभी सदस्य पुजारीगण उपस्थित रहेंगे और भगवान का पूजन करके ध्वज पूजन करेंगे। इन 10 दिनों में लगभग 7 लाख पब्लिक भगवान गणेश जी के दर्शन करने आती है। शुरू दिन लगभग 3-3.5 लाख पब्लिक भगवान गणेश जी के दर्शन करने आएंगी। उसके लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। स्टेप लगाई जा रही है, सामने एक साथ 4 लाइन चलेगी और स्टेप में भगवान गणेश जी के दर्शन होंगे और झिकझिक व्यवस्था हो रही है कि कोई भगदड़ नहीं मचे और सुलभ तरीके से दर्शन कर सके। आपको बता दें कि लगभग 6 माह पहले SSSAI ने महाकाल मंदिर को देश का पहला
सेफ भोग प्लेस मंदिर घोषित किया था। वहीं प्राधिकरण ने परीक्षण उपरांत खजराना गणेश मंदिर को सेफ भोग पैलेस के प्रमाण पत्र देने के लिए चयनित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़, इंदौर।